आपको अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल कब बदलना चाहिए? ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वो जो गाड़ी चला रहे हैं उसका इंजन ऑयल कब चेंज करें। अगर आप किसी से पूछें कि वो अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल कब चेंज करते हैं, तो जो बाइक चलाते हैं वो बताते हैं कि हम तो 3-4 महीने में ऑयल चेंज कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग बताते हैं कि हमारी गाड़ी जब 5,000 किलोमीटर चल जाती है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं जब 10,000 किलोमीटर चल जाती है तब हम ऑयल चेंज कर लेते हैं। कुछ ऐसे ही जवाब कार चलाने वालों से भी मिलते हैं। वो बताते हैं कि हम तो 6 महीने में अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करा लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम 1 साल में यानी 12 महीने में ऑयल चेंज कराते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि जब हमारी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल जाती है तो हम चेंज करा लेते हैं। वहीं कुछ लोग बताते हैं कि जब गाड़ी 15,000 किलोमीटर चल जाएगी तब हम चेंज कराएंगे। एक्चुअल में या वास्तविकता में किसी के पास ये लॉजिक नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके मित्र भी ऐसा कर रहे हैं, या फिर किसी मैकेनिक ने उनको बताया है कि आप तो निश्चित तौर पे इतने महीने में या इतना चलने के बाद ऑयल चेंज करा लीजिए। आप लोग अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल कब चेंज कराते हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अच्छा, एक और कॉमन डाउट आता है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी बहुत कम चलती है या बहुत दिनों तक चलती ही नहीं है, क्या तब भी हमें ऑयल चेंज कराना चाहिए? तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज के वीडियो में मिलेंगे। तो आपको यह वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि आपको अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल कब चेंज करना चाहिए। आपको अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल कब चेंज करना है, इसका उत्तर आपको मिलता है अपनी गाड़ी के यूजर मैनुअल से। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल दिया जाता है। ये यूजर मैनुअल हम बहुत संभाल के रख लेते हैं लेकिन शायद ही कभी इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग स्टार्टिंग में जरूर होता है क्योंकि इसके पीछे फ्री सर्विसिंग की स्लिप रहती है, तो हम सर्विसिंग कराते समय इस मैनुअल को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद ही शायद ही कभी हम इस मैनुअल को खोलकर देखें। ये यूजर मैनुअल बहुत ही काम की चीज होती है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी होती है जो आप अगर प्रयोग करें तो आप अपनी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके पास आपकी गाड़ी का यूजर मैनुअल नहीं है तो आप इसे इंटरनेट से ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको अपनी गाड़ी का मैनुअल कैसे डाउनलोड करना है और उसको कैसे पढ़ना है ये मैंने पिछले इंजन ऑयल वाले वीडियो में बताया था। उसकी लिंक यहां कहीं आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मैं दे दूंगा, तो आप ये वीडियो जरूर देख लेना। अब आपको अपनी गाड़ी के यूजर मैनुअल के मेंटेनेंस शेड्यूल वाले सेक्शन में जाना है। यहां पर आपको अपनी गाड़ी के इंजन ऑयल चेंज करने का शेड्यूल मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम इस यूजर मैनुअल को देखें तो यहां पर इस कॉलम में वो ऑपरेशंस दिए गए हैं जो हमें करना है। इनमें से एक ऑपरेशन है चेंज ऑयल एंड ऑयल फिल्टर। यहां पर ऊपर वाली रो में किलोमीटर्स दिए गए हैं यानी गाड़ी के कितने किलोमीटर चलने के बाद आपको ये ऑपरेशन करने हैं। इस दूसरी रो में मंथ दिए हुए हैं यानी गाड़ी के कितने महीने पूरे होने पर आपको ये ऑपरेशन करने हैं। अगर आप इस मैनुअल के चेंज ऑयल एंड ऑयल फिल्टर वाले रो में देखें तो आप देखते हैं कि यहां पर गाड़ी के 15,000 किलोमीटर चलने या गाड़ी के 12 महीने पूरे होने पर आपको इंजन ऑयल और फिल्टर चेंज करना है। उसके बाद गाड़ी के 30,000 किलोमीटर चलने या फिर 24 महीने पूरे होने पर आपको इंजन ऑयल चेंज करना है। उसके बाद गाड़ी के 45,000 किलोमीटर चलने या फिर 36 महीने पूरे होने पर आपको इंजन ऑयल चेंज करना है। इसी तरह से गाड़ी के प्रत्येक 15,000 किलोमीटर चलने या प्रत्येक 12 महीने के बाद आपको इंजन ऑयल चेंज करना है, ऐसा इस मैनुअल में बताया गया है। आइए एक और गाड़ी का यूजर मैनुअल देख लेते हैं। इस यूजर मैनुअल में R का मतलब है रिप्लेस और T का मतलब है टॉपअप। रिप्लेस का अर्थ है कि आपको गाड़ी का पुराना इंजन ऑयल निकालना है और उसके बाद ही नया ऑयल भरना है, जबकि टॉपअप का मतलब यहां पर है कि आपको गाड़ी का पुराना इंजन ऑयल नहीं निकालना है, केवल नया ऑयल ऊपर से भर देना है। आप इस मैनुअल को ध्यान से देखें तो यहां पर बताया गया है कि वाहन के प्रत्येक 10,000 किलोमीटर चलने या फिर 12 महीने पूरे होने पर यानी प्रत्येक 10,000 किलोमीटर या प्रत्येक 12 महीने के बाद आपको इंजन ऑयल चेंज करना है। और साथ में यह भी बताया गया है कि गाड़ी के प्रत्येक 5,000 किलोमीटर चलने या प्रत्येक 6 महीने में आपको इंजन ऑयल टॉपअप करना है। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपनी गाड़ी के यूजर मैनुअल के अनुसार ही अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करेंगे। कई बार बहुत सी गाड़ियों का मेंटेनेंस शेड्यूल यानी इंजन ऑयल चेंज करने का शेड्यूल एक समान हो जाता है, लेकिन आपको किसी दूसरी गाड़ी का शेड्यूल फॉलो नहीं करना है, आपको अपनी गाड़ी का यूजर मैनुअल देखकर ही इंजन ऑयल चेंज करना है। एक और बात याद रखें
कि चेंज करने का शेड्यूल तो दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको नियमित रूप से अपनी गाड़ी के इंजन ऑयल का लेवल चेक करते रहना है। अगर आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल का लेवल कम हो जाए तो आपको इंजन ऑयल टॉपअप कर लेना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। गाड़ी का यूजर मैनुअल बताता है कि आपको प्रत्येक 15,000 किलोमीटर या 12 महीने पूरे होने पर इंजन ऑयल चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि 12 महीने में गाड़ी 15,000 किलोमीटर नहीं चलती है या बहुत कम चलती है, क्या तब भी हमें गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए? मान लीजिए इन 12 महीनों तक गाड़ी चलती ही नहीं है और एक ही जगह पर खड़ी रहती है, क्या तब भी हम गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करेंगे? तो इस प्रश्न का जवाब है हाँ। देखिए इस यूजर मैनुअल में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मंथ्स और ड्राइविंग डिस्टेंस विच एवर कम्स फर्स्ट। यानी कि अगर गाड़ी का इंजन ऑयल गाड़ी के 15,000 किलोमीटर चलने या 12 महीने में चेंज करना है तो इन दोनों में से जो स्थिति पहले आ जाएगी उसमें इंजन ऑयल चेंज कर देना चाहिए। यानी कि अगर 12 महीने में गाड़ी 15,000 किलोमीटर नहीं चल पाती है तब भी 12 महीने पूरे होने पर गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज कर देना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर गाड़ी 12 महीने के पहले ही 15,000 किलोमीटर चल जाती है तब भी हमें गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज कर देना चाहिए। अगर आप निश्चित समय पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करते हैं तो इंजन ऑयल विस्कोसिटी एवं अन्य प्रॉपर्टीज खोने लगता है, जिससे इंजन ऑयल अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाता और इंजन की परफॉर्मेंस में कमी आती है। अगर लंबे समय तक इंजन ऑयल चेंज ना किया जाए तो इंजन के पार्ट्स डैमेज भी हो सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।